नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं। दौरों के मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है निवेश के माध्यम से। 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है और जिसके लिए उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री अधिकारी विदेश दौरों पर भी गए थे। वहां पर भी कहा जा रहा है कि लगभग 6 से 7 लाख करोड़ का निवेश की बात हो गई है। बड़ी बड़ी कंपनियों और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के साथ यहां पर एमओयू साइन होने की व्यवस्था भी शुरू हो चुकी है और 10 से 12 फरवरी को प्रायोजित इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बोलेंगे, इन्वेस्टर समिट तो छोटा नाम हो गया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से यहाँ पर 10 लाख करोड़ का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। खैर, ये तो रही विदेश की बात। इसके अलावा मुख्यमंत्री कल ही मुंबई दौरे पर गए थे और वहां पर रोड शो में भाग भी लिया। 2 दर्जन से अधिक जो वहां के निवेशक हैं उनसे मुलाकात भी की, जो भारत के बड़े उद्यमी उनसे मुलाकात भी हुई, जिसमें अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी लेकर तमाम बड़े नाम शामिल रहे, प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जनपद के जो मूल निवासी रहे हैं और अलग अलग जगहों पर इंडस्ट्री स्थापित करके काम कर रहे हैं, उनको भी अपने ही मूल प्रदेश में आने का न्योता दिया है कि अपने मूल प्रदेश में भी आइए और यहाँ पर भी व्यापार करिए और यहाँ की व्यवस्थाओं को अभी दुरुस्त करिए। खैर, अगर बात करें निवेश की, तो निवेश की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में उतना निवेश नहीं हो पाया है जितना की संभावनाएं हैं। 24 करोड़ से ज्यादा की आबादी, उतना ही रोजगार, उतने ही बड़े संसाधन, पर उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में अब तक वो नहीं हो पाया है जो होना चाहिए था। क्यों नहीं हो पाया? कारण ये रहा कि जब इन्वेस्टर समिट पहले हुई, दूसरी हुई, इसके बाद कोरोना के चलते सबसे पहले महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी प्रदेश के निवासियों की जान बचाने की, जिस पर मुख्यमंत्री ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए टीम 9 के माध्यम से और आगे आकर नेतृत्व करते हुए लोगों की जान बचाने का काम किया। और इसी का एक सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वैक्सीनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी लोगों को बचाना, उसके बाद खाद्यान्न के माध्यम से लोगों की कम से कम जीविका चलती रहे, उसके बाद जो मूल उद्देश्य है वो मेन उद्देश्य यह है कि लोगों के बीच रोजगार भी मिले, जिसके लिए अब दोबारा तीसरी बार कवायद शुरू हुई है और GSI यानी GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से यहाँ पर रूपरेखा बनाई गई है और इस रूपरेखा के माध्यम से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कटिबद्ध हैं। कटिबद्ध क्यों? क्योंकि वो स्वयं यहाँ पर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मंत्रालय, ऐसा नहीं कि केवल मंत्रियों, ऐसा नहीं केवल अधिकारियों के सहारे वो इस बड़े लक्ष्य को प्राप्ति करते नजर आ रहे हैं, बल्कि स्वयं एक राजा की तरह आगे बढ़कर पूरी सेना का नेतृत्व कर रहा है। और सेना का मेन और राजा का मेन उद्देश्य यही है कि अपने राजा को, अपने राज्य को उत्तम बनाना है। उत्तम के लिए कवायद शुरू हो चुकी है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि मुंबई में भी तमाम महत्वपूर्ण निवेशकों से बात हुई है और अलग अलग इंडस्ट्रीज में यहाँ पर काम होगा, जिसके तहत अगर देखा जाए तो अडानी की ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज पॉलिसी और तमाम बलिया श्रावस्ती में तमाम जगहों पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज में अपना एक PPP मॉडल पर काम करने का एक मन दिखाया है। इसके अलावा रैम की ग्रुप की बात करें तो कानपुर लखनऊ के बीच सेटेलाइट सिटी बनाने की बात चल रही है। टाटा सन्स की बात चल रही है कि जो हमारे आध्यात्मिक शहर है उनके बीच में वायु सेवा की शुरुआत की जाए। इसके अलावा गोदरेज समूह ने बात की है। इसके अलावा गोदरेज समूह के बीच 4 कारखाने जल्द ही उत्तर प्रदेश में लगने की उम्मीद है। लोढ़ा ग्रुप भी अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर में आवासीय परियोजनाएं लाने वाला है, सबसे जारी बात। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में क्या बोले, उत्तर भारत में फिल्म सिटी निर्माण को भी यहाँ पर लगातार जो सक्रियता वो नजर आ रही है, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने कल मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से बड़े बड़े निर्देशक और बड़े बड़े कलाकारों के साथ बातचीत की, बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल अब जो फिल्म इंडस्ट्री केवल और केवल दक्षिण भारत की या पूर्वांचल की या एक प्रकार से देखा जाए तो केवल और केवल मुंबई की मानी जाती, महाराष्ट्र की मानी जाती रही, उस उत्तर भारत की तरफ लाना महत्वपूर्ण पहल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इस पर काम नहीं करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं ये एक खराब बात होगी या खराब एक संदेश होगा कि जनता ने आपको यहाँ पर 37 साल पुराने मिथक को तोड़कर जनाधार दिया है और जनाधार का आपको सम्मान करना है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ लेके जाना। खैर, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, कुछ मेहमान सर और रूबरू हो गए, पहले
जो बाकी मेहमान आपको रूबरू करा लूँ। हमारे प्रवक्ता भाजपा से शमसी आजाद भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से शिल्पी चौधरी अपना पक्ष रखेंगे, प्रतपाल सिंह सलूजा भाई आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में सुनील त्रिपाठी भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा शमसी भाई से रहेगा। शमसी भाई, भाई यहाँ पर जिस तरह से देख रहे हैं कि विदेश भी गए थे, वहाँ पर भी 5 लाख से ज़्यादा करोड़ की जो निवेश की बात कही गई, और कहा जा रहा कि जो मुंबई गए थे मुख्यमंत्री, वहाँ पर भी 5.5 लाख करोड़ के निवेश की बात हो गई है और जल्दी उसके एमओयू साइन हो गए और जो लक्ष्य रखा गया था लगभग उसके पूरे होने की उम्मीद है और पहुंच गए आसपास और जल्दी उसकी एक शुरुआत भी हो जाएगी 10 से 12 फरवरी में। कैसे देखते हैं आप? धन्यवाद आपका और पैनल में यहाँ मौजूद सभी मेहमानों को और आपका कि आपने आज का मुद्दा बनाया और हम लोगों को उसमें शामिल किया अपनी अपनी बातें रखने के लिए, पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुँचाने के लिए। देखिए गौरव भाई, जब से उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी सरकार बनी है तब से ही योगी जी का ये सपना रहा है कि उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान में एक अलग राज्य स्थापित करें कि जहाँ ये पहले जो धारणा बन गई थी कि यहाँ पर कोई भी आने से डरता था, यहाँ पर कारोबार लगाने से डरता था क्योंकि यहाँ का माहौल काफ़ी ख़राब था। आपको पता होगा कि 2012 से 2017 के बीच में जो यहाँ का एक माहौल था, 2012-17 क्यों बोलते हैं? बात नहीं, बात तो सुन लीजिए सर। 2012 एक ऐसा युग था कि जिस युग में एक ऐसा आदमी मुख्यमंत्री यहाँ का बना जिसने उत्तर प्रदेश को बिल्कुल उजाड़ के रख दिया। उजाड़ के रख दिया बिल्कुल। आप ये देखें जिस तरीके से अमेरिका ने बमबारी करके अफगानिस्तान को उजाड़ा था, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को इतने दंगे कराए कि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से उजड़ चुका था। अब दोबारा से सरकार योगी जी की जरूर बनी लेकिन पूरी तरीके से कार्यामल नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी ने उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को किस तरीके से अपने जाल में बुनकर रखा था ये सबको पता है। लेकिन उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पिता की तेरही में, अपने पिता के मरने में भले न गए हों लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घर घर पहुंचकर ये संदेश दिया कि अगर आपने हमारे पर भरोसा किया तो हम उस भरोसे को कायम रखेंगे। ये तो थी अलग की बात, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने देखा कि एक नया आयाम उत्तर प्रदेश को इस तरीके से बनाना है कि जो बाहर की कंपनियाँ हैं, जो विदेशी कंपनियां ने, जो हिंदुस्तान की कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, ये हवा उड़ गई थी। अच्छा। और यहाँ से कई कंपनियों ने पलायन भी किया था पिछली सरकार में कि यहाँ का माहौल उनको लग नहीं रहा था कि यहाँ पर पैसा वो अपना लगाएं, मुनाफा तो छोड़िए उनको अपनी भी जान की जो है लाले पड़े हुए। अच्छा। थे तो इस तरीके से यहाँ से सारी कंपनियों का पलायन शुरू किया था। लेकिन एक बार धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश में एक साफ सुथरा माहौल, एक व्यापार का माहौल, एक अमन चैन का माहौल, भाईचारगी का माहौल, विकास का माहौल, शिक्षा का माहौल, स्वास्थ्य का माहौल, सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अग्रणी बनाने का काम किया। और ये देखिए काबिले तारीफ है कि उत्तर प्रदेश से एक मुख्यमंत्री निकल के महाराष्ट्र में जाता है और वहां पर सिर्फ 3 दिनों के अंदर 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश उसको मिलता है। तो ये इस बात का सबूत है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ वाहवाही नहीं करते, सिर्फ कलम पे या टेलीविजन पे कोई बयान नहीं देते, अगर उनका बयान है तो वो उस पर कार करने के लिए, उसको जो अमली जामा पहनाने के लिए, उसको पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए, अपने वादे को पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ लगातार मेहनत कर अपने मंत्रियों को, उन्होंने विदेश भेजने का भी कार्य किया है, वहां पर भी जो है रोड शो चल रहे हैं और भी मंत्री अभी आजकल में जाएंगे, वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को लाने की यहां पर योजना की जा रही है। और 10 लाख करोड़ का जो लक्ष्य है, हमें तो लग रहा है कि इस बार 10 लाख करोड़ से ज्यादा कभी ऊपर चले जाएंगे क्योंकि महाराष्ट्र में आपने देखा गौरव भाई कि महाराष्ट्र से 5.5 लाख करोड़ का निवेश, और ये कोई फर्जी नहीं है, सारी हिंदुस्तान की कंपनियां जिन्होंने बढ़ चढ़ कर योगी जी को आश्वासन दिया है कि हम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आकर अपना पैसा लगाएंगे और वहां के लोगों को रोजगार देंगे। ठीक, तो ये एक बड़ी बात है, तो हमको जो है तो इस पे जो है समर्थन करना चाहिए। और मैं हाथ जोड़कर विपक्षी पार्टियों से, मैं वहीं पर आ रहा था कि हाथ जोड़कर मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अगर एक माहौल यहाँ पर बन रहा है, यहाँ का रोजगार बढ़ाने के लिए माहौल बन रहा है, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए माहौल बढ़ रहा है, यहाँ पर व्यापार का क्षेत्र बढ़ रहा है, तो उसमें विघ्न न डालें, उसमें जो है आपत्ति न जताए, और अगर आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष की भूमिका में रहते हुए सरकार का समर्थन करें। और ये एक बहुत बड़ा युग है, अगर इस युग में उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से फल फूल जाएगा तो आने वाले नस्लें आपको भी कहेंगे विपक्ष में आप भले रहें लेकिन ये अगर आपने समर्थन किया तो ये कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के योगदान में विपक्ष का भी हाथ रहा। बस मेरी यही एक सवाल मेरा रहेगा जी, आप 12-17 बार करते, 7 से 12 की बात नहीं करते हैं? नहीं, 12 से 17 की ही बात करेंगे ना, क्योंकि उसी वही दौर था, मैंने फिर आपको बताया 7 से 12 की बात नहीं करेंगे मैं, नहीं 12 से 17 दौर था, 12 से 17 का वो दौर था कि जब उत्तर प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति ने कमान संभाली जिसको बिल्कुल राजनीति का ज्ञान नहीं था, जिसने अपनी
बाप की विरासत पर कब्जा जरूर किया, परिवार को तखड़ भकड़ करके, परिवार के सभी लोगों का अनादर करके, जनता का अनादर करके एक अलग से उसने छाप बनानी चाहिए, हिटलर शाही वहां पर करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ हमारा राज रहे, हमको अगर मुख्यमंत्री बनाया गया तो सिर्फ और सिर्फ हम मुख्यमंत्री रहेंगे, बाकी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं रहेगा, ना कोई नेता रहेगा, ना कोई अधिकारी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ हमसे पूछ कर काम किया जाएगा। तो वो जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने एक ही बार गलती की थी, उसके बाद आपने देखा कि न 17 में दोबारा ये गलती दोहराई गई और न दोबारा 22 में दोहराई गई। तो इस बात का सबूत है कि वो गलती उत्तर प्रदेश की जनता अब दोहराना नहीं चाहती है। ठीक है, ठीक है। शिल्पी जी, भाई बड़ा निवेश आ रहा है और उन्होंने प्रार्थना भी कर ली विपक्ष से कि भाई कम से कम अब विपक्ष की भूमिका में तो कम से समर्थन कीजिए, और उन्होंने कहा कि केवल 7 से 12 की बात नहीं, उन्होंने 12-17 की बात कही है कि ऐसी स्थिति थी कि कोई यहाँ आना नहीं चाहता, लोग चले गए, डर लगता था। बताइए, ऐसी स्थिति थी मगर शमशी जैसे लोग इस प्रदेश में बचे रह गए। हाँ। जो दलाली करते हैं अपने पूरे कौम की, जो कहते हैं इतने दंगे हुए मगर उसके बावजूद बचे रह गए। अच्छा। तो वो आप चाहते थे क्या कि हम ना बचे? और परिवार की बातें करते हैं, एक तरफ कहते हैं परिवारवाद, फिर उसकी तरफ कहते हैं कि इसका सम्मान नहीं किया, उसका सम्मान नहीं किया। वो व्यक्ति जो अपने बाप के मरने पे नहीं गया, उसकी पार्टी के लोग कहते हैं कि परिवारवाद करता है, फिर कहते हैं कि वो परिवार की नहीं सुनता था। मतलब थोड़ा कंफ्यूज हैं शमशी जी, कंफ्यूज हैं तो होने दीजिए। इनके जैसे कंफ्यूज लोगों की ही ये देन है कि उत्तर प्रदेश में ये योगी का भ्रष्ट शासन फिर से आया है। अच्छा, और कैसे भ्रष्ट है ये भी मैं बता दूं। अच्छा। अब इसको भी बता दूं। हाँ। इन्होंने सब कुछ कहा है, इन्होंने कहा है कि हम काम नहीं कर पाए क्योंकि अच्छा। कोरोना आ गया, आपने काम नहीं किया लेकिन वेयर हाउसेस बन गए उसी कोरोना काल में। अच्छा। इन्होंने कहा कि बड़े बड़े औद्योगिक घराने इससे पहले आते नहीं थे, ठीक है, तो अंबानी तो कभी यहाँ पर आए ही नहीं। हाँ, अडानी अब जरूर आए हैं योगी के भ्रष्ट शासन काल में, जिसने यहाँ के सारी सरकारी उपक्रम खरीद लिए। अच्छा। बचे हुए उपक्रम आप बेचने जाएंगे। अच्छा। आप बेचने की तैयारी कर रहे हैं। आप कहते हैं मुंबई से बहुत बड़ा इन्होंने इन्वेस्टमेंट ये लोग लेके आए हैं 5 लाख करोड़ रुपए का। हम अच्छा। वही धज्जियां उड़ गई इनके मुख्यमंत्री की जब सुनील शेट्टी जैसे एक अदाकार ने कह दिया कि ये जो बायकॉट गैंग आप चलाते हैं ना उसको रोक लीजिए। तो ये इमेज है इनकी कि भगवा ब्रिगेड के नाम पे जो आतंक इन्होंने स्थापित कर दिया उत्तर प्रदेश में, और इनके मंत्री विदेश जा रहे हैं, अभी खुद प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं बड़े जोश में हैं, पता नहीं कितने पढ़ाई लिखाई करते हैं, शायद शाखा वाला ज्ञान है कि राष्ट्रीय मुस्लिम संघ वाला ज्ञान है। अच्छा। उस ज्ञान को लेके ये डिबेट करने आके बैठ गए हैं। अच्छा। तो 18 दिसंबर 2022 ANI ने खबर ब्रेक करी थी कि इनके 16 मंत्रियों का डेलीगेशन जो विदेश से निवेश लेने गया है, जिसमें इनके मुख्यमंत्री, इनके मंत्री हैं सुरेश खन्ना, पूर्व मंत्री हैं सिद्धार्थ सिंह, इनके चीफ सेक्रेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अरविंद कुमार, इन तीन की उपस्थिति में 35,000 करोड़ का एक MOU साइन हुआ है। ठीक। सुन लीजिए, 35,000 करोड़ का एक MOU साइन हुआ है कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ। जी। वो ऑस्टिन यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में ऑस्टिन स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज बनाने जा रही है। कितना अच्छा लग रहा है ना सुन के। अच्छा, इतना तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता होगा जितना हम लोगों को पता है, देखिए। अच्छा, अच्छा। और विपक्ष इतना ही मुस्तैद है तभी जनता को पता चले कि कैसे प्रतिनिधि मंडल भेजने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। वही तो मजा आ रहा है कि कैलिफोर्निया ने, कैलिफोर्निया सरकार ने जब एक पत्रकार ने इसको खंगाला, ये ऑस्टिन यूनिवर्सिटी क्या है जो 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में करने जा रही है, तो पता चलता है कि ये ऑस्टिन यूनिवर्सिटी, इसकी मान्यता कैलिफोर्निया राज्य ने नवंबर 2022 में खत्म कर दी। अच्छा। इसके पास 25 लोगों का स्टाफ है मात्र, इसके पास कोई छात्र नहीं है, और ये यूनिवर्सिटी एक सरकारी पार्क में चलती है। शिल्पी जी, तो ऐसे ही हजारों करोड़ के MOU साइन होते रहेंगे, 10 लाख करोड़ की योजनाएं योगी जी लाते रहेंगे। इनके मंत्री सिद्धार्थ सिंह जी का कहना था कि हम 6 लाख लोगों को रोजगार देने वाले हैं इस एक MOU के जरिए, तो वो 6 लाख लोगों के तो बस अपॉइंटमेंट लेटर बस मिलने ही वाले हैं 12 फरवरी के बाद। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना जी। हम लोग खुश हो जाते हैं, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और हम भज मंडली बन जाते हैं इनकी तरह। ठीक है जी, और भजन करने लगते हैं। मेरी बात, मेरी भजन करिए। मेरा कहना था कि चलिए ठीक है, ऑस्टिन यूनिवर्सिटी की बात को अगर किनारे कर दें तो
तुझे 5 लाख कैसे किनारे कर दे? नहीं नहीं कैसे किनारे कर दे? नहीं मैं किनारे नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं 35,000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं। 35,000 करोड़। अरे उसके बाद किनारे मतलब मेन मुद्दे पे आ जाए। पुराना हो गया कॉन्सेप्ट, वो 5 दिन 6 दिन पहले का था। MOU साइन उस पर बहस हो चुकी, उस पर चर्चा हो चुकी। आप अब नींद से जागिए मेरी बड़ी बहन, बड़ी बहन हमारी, आप नींद से अब जागिए। 1 सप्ताह पहले की कहानी है ये सारे चैनलों पे चल चुका है मुद्दा। स्टील का आपकी बंद जो 5.5 लाख खोल चुके हैं। नहीं नहीं मुद्दा तो 12 तारीख तक चलेगा। नहीं नहीं ये आंखें आपकी खोली जा चुकी है, जानकारी दी जा चुकी है। आपको आज मौका मिला है, अब अपनी पार्टी से कहिए कि रोज आपको चैनल पे बैठाना करे, ताकि आप रोज उसी दिन ताजा मुद्दा जो बनाकर तब बहस किया करें। चैनल को चुप करा लिया। नहीं नहीं आप ताजा मुद्दे पर बहस किया करें। आपके जैसे लोग चैनल को सेटल कर लेंगे तो मुद्दा खत्म हो जाएगा। मुझे तो किसी चैनल ने प्राइम टीवी सेटल होना चल रही है। प्राइम टीवी सेटल होना चल रही है जी। किसी भी चैनल ने नहीं कहा कि ये खबर पुरानी है और ये खबर फर्जी हो गई। ये मुद्दा 1 हफ्ते पहले आ चुका है। मेरा कहना केवल ये है कि आज का मुद्दा ये है कि 5.5 लाख करोड़ का लक्ष्य यहाँ पर निवेश की बात हो गई है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से। और दूसरी बात शमसी भाई ने ये बात और कही कि जो लक्ष्य रखा गया 10 लाख करोड़ का उससे ऊपर जा रहे हैं। आज का मुद्दा ये रखा गया। बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा अरे भाई इनके इनको जाने के लिए आदम कोटवी साहब बहुत पहले कह गए हैं। अच्छा ये आंकड़े हैं झूठे। हाँ ये आंकड़े हैं झूठे, ये दावे किताबी हैं। अच्छा यही कहेंगे, देते रहिए। अच्छा जाते रहिए, और क्या कहेंगे। नहीं बड़ी बहन है हमारी, इसके अलावा कहने के लिए बात बहन है हमारी, शिल्पी जी मैं इनका सम्मान करता हूँ। लेकिन बस बात वही है कि इनको तो इनके गठबंधन लेके नेता ही जो है तो समय समय पर ज्ञान देते रहते हैं। हमको ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मैं यही आपसे कहूंगा कि आप अगर देश के विकास में, आप प्रदेश के विकास में अगर अपना हाथ नहीं बटा सकते तो उसमें व्यवधान पैदा करने का काम लोगों को शर्म कर लेनी चाहिए कि भाई बाप के मरने पे नहीं गए लेकिन लोगों से वोट मांगने घर घर जाते हैं। अपने घर नहीं जा पाए बेचारे, वोट मांगने नहीं गए। यही यही तो आपकी जानकारी में नहीं है। जब कोरोना काल में आपके सारे नेता विदेशों में यात्रा कर रहे थे, आपके मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री जी को कहा जाता है वो अपने एसी से बाहर नहीं निकल रहे, तो उनको इतना डर लग रहा था, परिवार से मिलने नहीं जा रहे थे। उस वक्त हमारा देश प्रदेश का मुख्यमंत्री गाँव गाँव जाकर उसने जो है लोगों को जागृत करने का काम किया, वैक्सीनेशन लगाने के लिए मोटिवेट किया, सारी सुविधाओं का इंतजाम किया, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश से कह सकता है कि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हुआ है। और आज यही चीजें आपको जो है नागवार गुजर रही है कि कैसे एक साधु एक संत और महात्मा जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी में काफी लकड़ी नहीं है। लोगों को चिता की लकड़ी नहीं मिली। क्या कोरोना मैनेजमेंट किया आपने वो सारी दुनिया देखती है। गंगा किनारे लाशों के ढेर लगे थे, ये कोरोना मैनेजमेंट था आपका, सबने देखा। और ये आपके परिवार के लोग थे, वो आपके परिवार के लोग थे जिनको आप छोड़ के चली गई थी, जिनका आपने अंतिम संस्कार तक करना जो उचित नहीं समझा, जिनको आप जो है छोड़ कर चली गई। मुसलमानों की तरह कब्रों में दफन कर दिया। अब आ गई बात हिंदू मुसलमान वाली बात। यही समाजवादी पार्टी जो है हिंदू मुसलमान करके ही जो एक बड़े तबके का उठती चली आई है। अब वो सारी चीजें अलग हो गई हैं। अब आपका वोट बैंक खसक कर भारतीय जनता पार्टी के पाले में चला गया है। जो अल्पसंख्यक समाज किया करती थी, अब वो अल्पसंख्यक समाज आपसे हट गया है। और हिंदू मुस्लिम करके जो है आप दोबारा से सत्ता में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अब मुसलमान पढ़ा लिखा है, समझदार है, जागरूक हो चुका है। आप जो डराया करती थी कि भाजपा आएगी वोट देने का अधिकार छीन लेगी, भाजपा आएगी तो पाकिस्तान भेज देगी, तो वो सारी धारणाएं सारा भरम जो आप डरा कर वोट लिया करते थे, डरा कर लिया करते थे। अब आपको उत्तर प्रदेश का मुसलमान आंखों से देखना पसंद नहीं करता। और जो आपकी ठेकेदारी हुआ करती थी, क्या अल्पसंख्यक समाज के ठेकेदार है वो चीजें बिल्कुल से अगले राउंड में ठीक है। प्रतिपाल भाई विपक्ष की भूमिका तो हमारी पार्टी भी ठीक ठाक निभा रही है, लगातार सक्रिय है, दौड़ रही है, मेहनत कर रही है, सेल्फी बिट स्कूल कर रही है, तमाम तरह के अभियान चलाती रहती है। अभी हाल में ही लोकतंत्र बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा भी निकाली गई थी। कैसे देखते हैं 5.5 लाख करोड़ के लक्ष्य को जिस तरह पूरा किया गया है, कहा जा रहा निवेश आएगा, 10 से 12 फरवरी में यहाँ पर एक उत्तम प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर हो जाएगा, और कहा जा रहा है कि 6 लाख से ज़्यादा का निवेश विदेश से आने की संभावना है, उसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। यानी 10 लाख करोड़ का जो लक्ष्य रखा गया था उससे ऊपर जा रही है योगी सरकार, कैसे देखते हैं? देखिए गौरव जी,
भारतीय जनता पार्टी छठे वर्ष में इंटर कर चुकी है उत्तर प्रदेश के भीतर। अच्छा, 2017 में इन्होंने जो मैनिफेस्टो था उसमें कहा था कि 70 लाख नौकरियां अपने 5 साल के कार्यकाल में जनता को लो जो हमारे युवा उनको देंगे, और वही भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ, यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में छाती पीट पीट के कह रहे थे कि 4.5 लाख नौकरियां हमने दी हैं, जिसमें आरटीआई लगाई गई, पता चला 3.5 लाख नौकरियां निविदाएं पर हैं। अच्छा, वो संविदा पर है, जो 3.5 लाख नौकरियां थी 4.5 लाख में से वो संविदा पे थी। अच्छा, जो हर 11 महीने में खत्म हो जाती है। ठीक। जो 70 लाख नौकरियां देने का दावा करते थे वो 4.5 लाख नौकरियां विधानसभा में छाती पीट रहे थे। आज इस बात को हमारी बहन ने भी कहा, माननीय सांसद संजय सिंह जी ने भी 26 तारीख को एक पीसी करके इस बात को उजागर किया था कि ऐसी यूनिवर्सिटी को लाया जा रहा है, ऐसी यूनिवर्सिटी से एमयू साइन किया गया है जो वजूद में नहीं है, जो ब्लैक लिस्टेड है, कैलिफोर्निया में ब्लैक लिस्टेड है। उसके पास मात्र 25 कर्मचारी हैं जो सरकारी पार्क में अपना सारी व्यवस्थाएं चलाती हैं। वो उत्तर प्रदेश में आकर 35,000 करोड़ रुपए का कहां से निवेश करेंगी, ये समझ लीजिए घाल मेल क्या है। अच्छा, हो ये रहा है गौरव जी, जी कि उत्तर प्रदेश की जनता का जो गाढ़ी कमाई का टैक्स का पैसा है उसको कैसे हड़पा जाए, कैसे उसकी मलाई और रबड़ी को निगल लिया जाए, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अच्छा, ये चौथा इन्वेस्टर समिट है उत्तर प्रदेश के भीतर में, 4 हो चुके हैं ऑलरेडी, पांचवा मुंबई से ये जहां से लेके आए हैं वो इंडस्ट्री से उन्होंने एक समझौता किया है जी। उसके लिए बकायदा उत्तर प्रदेश की किसानों की कितनी हजारों एकड़ जमीन अभी जाएगी। अच्छा, इस पे भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 26,000 सरकारी स्कूलों को ताला लगा के बंद कर दिया गया है और अडानी को ये सौंपने की प्रक्रिया भी शुरू करने जा रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश की जो सरकारी स्कूल है वो अब अडानी चलाएंगे। अभी शमसी जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं काफी तारीफ कर रहे थे, मैं पिछली सरकार की तारीफ नहीं कर रहा, खाली इतना बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब गर्मी उफान पे होती है तो कितनी मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ती है। मैं बता दूं क्यों ये दिमाग अपना लगाएं, 26,000 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ती है। शमसी जी ये बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार मात्र उसमें से 3 से 4 हजार मेगावाट खाली पैदा करती है, बाकी की जो बिजली है वो अडानी अंबानी की कंपनियों से यह खरीदते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि इस बार तो इन्होंने हद पार कर दी। 15 जुलाई को सांसद संजय सिंह जी ने पीसी करके बताया कि जो कोयला एनटीपीसी से एनटीपीसी ले रही थी देश के कोल विभाग से यानी धनबाद से सरकारी कोयला ना लेकर अडानी की कंपनी जो विदेश में कोयला खनन कर रही है उससे 30% महंगा कोयला वो देश में बिजली को पैदा करने के लिए खरीदने जा रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार की बात बता रहा हूं, ये सांसद संजय सिंह ने कहा था। तो इनके जो भाषण है, इनके जो आंकड़े हैं उनको अगर आप देखेंगे तो शर्मसार होंगे आप, शमसी जी आप भी शर्मसार होंगे। अच्छा, आप 2017 का मैनुफेस्टो एक बार देख लीजिएगा गौर से। 70 लाख नौकरियां उन्होंने 5 साल देने के लिए कहा था, दी कितनी? 4.5 लाख, जिसमें से 3.5 लाख जो नौकरियां वो संविदा पर है, संविदा एक गुलामी है। तो भारतीय जनता पार्टी के गौरव जी मैं एकदम भरोसा नहीं करता हूं इनके आंकड़ों पे। अभी किसानों की कितनी जमीनें अर्जित करेंगे, उनके चरणों में डालेंगे, वो निवेश आएगा कि नहीं आएगा? आपको याद होगा सैमसंग कंपनी जो थी जिसको जमीन पूर्व की सरकार ने दी थी कंपनी लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, उसका भी श्रेय इन्होंने ले लिया था। अच्छा, और उसमें नौकरियां कितनी मिली? मात्र 1200 नौकरियां। अच्छा, आयुष्मान योजना का बड़ा ये ढंडोरा पीटते हैं, पूरे कोरोना काल के कार्यक्रम में 1.5 साल में मात्र 2100 लोगों को लाभ मिला था, मात्र 2100 लोगों को आयुष्मान योजना के तहत लाभ मिला। अच्छा, बाकी लोग बेचारे धरे के धरे रह गए, मर गए, शमशान में जगह नहीं मिली, ऑक्सीजन अस्पताल में नहीं मिला, भर्ती नहीं हो पाए, फिर शमशान में जगह नहीं मिली। तो हम लोगों को पूरा भरोसा नहीं है इनके ऊपर, ये राम के नाम पर चंदा चोरी करने वाली पार्टी है। अच्छा, ये लोगों को मूर्ख बनाकर सत्ता में बने रहने वाली पार्टी है।
इन पे आम आदमी पार्टी भरोसा नहीं करेगी। हम लोगों ने इसी 1 जनवरी से सांसद संजय सिंह ने आह्वान किया जो प्रभारी है उत्तर प्रदेश के, सेल्फी विद कूड़ा। अच्छा। हर वार्ड से इतने फोटोएं आने लगी हैं, लोग फोटो भेजने लगे हैं सेल्फी ले लेके, पूरे उत्तर प्रदेश लखनऊ को कूड़ा कूड़ा कर दिया। अब ये चुनाव भी नहीं करा रहे हैं, ओबीसी के आरक्षण में बहुत बड़ा घोटाला कर दिया जी। जो बेचारे ओबीसी के हकदार है उनके भी हक में सेंध लगा दी। 2 तारीख हम लोगों ने उसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, मगर योगी आदित्यनाथ जी के कान पे जो ओबीसी ओबीसी बहुत चिल्लाते हैं, देश के प्रधानमंत्री ओबीसी ओबीसी कहते हैं, मैं ओबीसी से आता हूँ, उनके हक को भी इन्होंने ग्रहण करने का काम किया। तो इनपे कोई भरोसा पार्टी करेगी नहीं, आम आदमी पार्टी सड़कों पे इनके खिलाफ उतरेगी। अच्छा, हमारी पार्टी उतरी बाकी नहीं उतरते हैं ना, विपक्ष रोड पे आता नहीं है, सबको उतरना चाहिए, सबको अपनी जगह पे। तो मान गए ना कि बाकी लोग नहीं उतरते हैं, विपक्ष की भूमिका सबको निभानी चाहिए। ये मान गए कि विपक्ष उतरता नहीं है, समझी भाई, क्या दिक्कत है? विपक्ष हम उतर रहे ना, जनता की आवाज क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, इनको जो है तो लग रहा है किस तरीके से, जिस तरीके से बोला कूड़े की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, कूड़े की बात कर रहे हैं वो अलग चीज है, इनको कूड़ा हर जगह दिखाई देता है, इनके मस्तिष्क में कूड़ा भरा हुआ है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली में जिस तरीके से नहीं सुन ले, दिल्ली में जिस तरीके से आपने गंदगी मचा रखी है वो सबसे छुपा हुआ नहीं है। दिल्ली की गंदगी, वहाँ पे एक पकड़ी का पुल पड़ता है, थोड़ा बोलिएगा बाबा जी को गाड़ी बस 10 मीटर आगे अंदर को ले ले, कूड़ा ही कूड़ा दिखेगा वहाँ पे। अच्छा। और आगे आ जाइए, एलडीए की तरफ एक रास्ता मुड़ता है, चार जगह आपको मेन रोड पे कूड़े कूड़ा दिखेगा। जवाब ले, उससे थोड़ा आगे बढ़ जाइए, अपनी आंखों को अगर खोलना है, अगर असल में हकीकत में आप अगर हिंदुस्तान के नागरिक हैं और अगर हिंदुस्तान के प्रति आप जरा भी गंभीर हैं, तो आपको सबसे पहले एक दौरा एक बार कम से कम बात तो आप सुनेंगे नहीं। आज दिल्ली में आपने किया भाई, सुन लीजिए, दिल्ली में मेयर चुनना था, डिप्टी मेयर चुनना था, वहां पे एक हमारे पार्षद को आपने मार मार के खूनों खून कर दिया। अच्छा। लात जूते चला दिए उसके ऊपर, आप कमजोर पड़ रहे थे वहाँ, संसद को मंदिर मानते हैं, आप कमजोर हैं, वहाँ सुन लीजिए, वहाँ दिल्ली के जो सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, हमारी सुनिए, ताली बजा रहे थे। अरे बड़े भाई साहब, आपने जो लोग क्षमता कर रहे थे, जवाब की क्षमता रखिए, बता रहे जवाब लीजिए सर, आम आदमी पार्टी वाले जागरूक नागरिक हैं। सुनने की क्षमता कितने जागरूक है, देखिए वो पूरी तरीके से जिस तरीके से दिल्ली में गंदगी मचा रखी है आपने, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा। अरे आज तो जनता ने देश के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, जिम्मेदार नागरिक है और देश के स्वास्थ्य के पीछे, देश की स्वच्छता के पीछे अगर आप गंभीर है, तो एक बार दिल्ली का दौरा करें और आप बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, नई दिल्ली स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, चाहे पुरानी दिल्ली से जामा मस्जिद होते हुए जाए, तो आपको किस तरीके से कूड़े के ढेर आपको दिखाई देंगे, उसको बताने की जरूरत नहीं, कूड़े के पहाड़ आपको दिल्ली में किस तरीके से दिखाई देंगे उसको बताने की जरूरत नहीं। आज पूरा हिंदुस्तान जो है वो वहाँ पर जो है पर्यटक स्थल है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन जब भी कोई नागरिक वहाँ से लौटता है वो कहता है सब कुछ तो सही है, लेकिन वहाँ की गंदगी जो है वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। लात मार के निकाल दिया आपको, 15 साल से सत्ता में बैठे हुए थे एमसीडी में, अगर अच्छा काम कर रहे होते तो एमसीडी में आप फिर चुने जाते, वहां नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी उतरे, वोट दो, लोगों ने कहा चलो बाहर चलो। गुजरात में भी 41 लाख लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया साहब, 5 विधायक हमारे गुजरात को, जो मोदी मॉडल आपके सरकार बना रहे थे आप, अब आप कह रहे हैं कि 5 विधायक हमारे वहाँ पर आ गए थे। नहीं, आप तो सरकार बना रहे थे नरेंद्र मोदी का, अरे प्रिंसिपाल जी आँख खोलिए, कान खोलिए, आँख और कान दोनों खोल कर देखिए और उत्तर प्रदेश की हालत पर आप देखिए और दिल्ली का कंपैरिजन करिए। आप गुजरात में जो है तो क्लीन स्वीप कर रहे थे, सरकार बना रहे थे और मात्र 4-5 विधायक, वो भी किस तरीके से आपने हासिल किए बताने की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ताली बजा रहे, 24 करोड़ की आबादी में 20 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया। हाँ। क्या आप बात कर रहे हैं साहब, लोगों को मुफ्त का राशन लेना पड़ रहा, 5 किलो का राशन लाइन लगा के लेना पड़ रहा, आप पीठ थपथपा रहे,
शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के। तो हम शराब बांटे आप कितना दिल्ली में भाई, 24 में शराब बांटे, 20 करोड़ लोगों जो शराब नीति आपने दिल्ली में लागू की थी, हम वो वाला काम करें। बता दो चलो, पंजाब में सरकार बनी, पंजाब में सरकार बनी, आपको मुनाफा दिखा। राशन देने के बाद 5 किलो का राशन लाइन में लेके दे रहे हो, आप कह रहे हो ताली बजा रहे हो कि बड़ा अच्छा उत्तर प्रदेश को ले जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली की तरह शराब बांटे, शराब में पूरे दिल्ली को डुबो दे, जिस तरीके से पंजाब का मुख्यमंत्री शराब के नशे में हवाई जहाज पे चढ़ने नहीं दिया जाता, उसको जहाज से उतार दिया जाता है। अरे उसी वक्त उनको भगवंत मान जी को चाहिए था कि इस्तीफा दे देते उस मुख्यमंत्री के लिए। ये कहा जाता है कि शराबी मुख्यमंत्री है, शराबी मुख्यमंत्री, शराबी मुख्यमंत्री भगवंत मान जी जो है उसको सिर्फ शराब के अलावा देता, वो वही चाहता है दिल्ली में भी यही किया। 80,000 करोड़ का घोटाला किया, 80 लाख की जमीन खरीद के 18 करोड़ में बेच देते हो, पालन कराया किस तरीके से, आप के सामने शराब का अयोध्या प्राधिकरण किस तरीके से आपको मिला, सामने शराब का संजय सिंह की उस बात पर मोहर लगाई, जिस पे संजय सिंह ने बताया था कि न्यास में चोरी हो रही है, लगाकर अयोध्या का मेयर जो भारतीय जनता पार्टी का वो चोरी कर रहा है, अयोध्या का विधायक चोरी कर रहा है, राम मंदिर के नाम पर आपने चोरियां की, आज तक क्यों नहीं किया भैया मुकदमा आपने संजय सिंह के ऊपर मानहानि का, किसी बार सरकार बन गई है क्योंकि आप चंदा चोर पार्टी से आते हो। नहीं, नहीं, हकीकत है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुंबई में एक यात्रा करता है, 5.5 लाख करोड़ का निवेश कराता है और आपके मुख्यमंत्री को विदेश यात्रा करने जाता है, शराब के नशे में जहाज में उतार दिया जाता है, कितना फर्क है, कितना फर्क है, कितना फर्क है। अरे उनको तो चाहिए था मानवता के नाते इस्तीफा दे दे, वो लेके आते हैं पटल पर ये मुद्दा उठा वही गंदगी केजरीवाल के दिमाग में है और वही गंदगी उत्तर प्रदेश के दिमाग में है और नगर निगम में भी जवाब देगी। जैसे दिल्ली की जनता ने समझदारी दिखाई, अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है वो आपको बर्दाश्त नहीं है, देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है वो आपको बर्दाश्त नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं सुधार नहीं है वो आपको बर्दाश्त नहीं है, आपने क्या निकाला वही गंदगी वाली बात। आपको अगर डर ना होता तो ओबीसी का आरक्षण आप कैसे से कराते? नहीं नहीं, हम जो कराते हैं हम जो कर रहे हैं आप उसे देखिए, और ये उत्तर प्रदेश है, अदालत को कहना पड़ गया, उत्तर प्रदेश है, चुनाव कराओ यहाँ पर आम आदमी पार्टी न पनप पाई है न पनप पाएगी, समझ लीजिए प्रियपाल जी। जो प्रवक्ता बैठे हुए शमसी जी को ये हमारी बहन को ज्ञान दे रहे थे, ये मुझे बहन को ज्ञान, बहन का सादर सम्मान है, मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ, मैं तो ये समझ जाता कि आप मेरी आंखें खुली हुई है, सारे हमारे सरदार भाई विद्वान होते हैं, लेकिन आप जो पर्दा लगा के बैठे हो अच्छे दिनों वाला 15 लाख वाला, आपको जो दिखाया जाता है, जो बताया जाता है, झूठी पार्टी, पार्टी आम आदमी पार्टी है जिसका झाड़ू निशान है। हम दिल्ली वालों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, झाड़ू फेंक दिया जनता पर, दिल्ली वालों को पंजाब में झाड़ू लगाने जा रही है, माताओं बहनों को बसों में आवागमन मुक्त दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, यही काम है की सेवा को युवाओं को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हमेशा बंटवारे की कैमरे लगा के रहे कि नहीं लगा रहे हैं, घराने की राजनीति, हमारे जो अधिकार क्षेत्र में वो कर रहे हैं कि नहीं, बड़े बड़े ग्राउंड हम वहाँ सरकारी स्कूलों में बना रहे हैं, स्विमिंग पूल वहाँ बना रहे, चोरी बाबा जी बना रहे, बाबा जी को 26,000 सरकारी स्कूलों में ताला लगा के डाले, ऐसी भैया सरकारी स्कूल चलाओ। आम आदमी पार्टी ने 2022 के चुनाव में कार्यक्रम रखा और पैसा देकर कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता नहीं थे। अरे भैया हवा में बातें ना करो, और गुजरात जीत रहे थे, हवा में बातें ना करो, नरेंद्र मोदी जी आते हैं पीडब्ल्यूडी को वहां फोन चला जाता है कि सारे कर्मचारी आओ, नरेंद्र मोदी जी की रैली है, परिवहन की सारे बसें वहां लगा देते हो, वो बसें बाबा योगी आदित्यनाथ जी को तब नहीं दिखी जब मजदूर बिचारे अपने घर की ओर जा रहे थे, पैर में छाले पड़े हुए थे, बसों से रास्ते में मरे जा रहे थे, से आप ये देखे कि हिंदुस्तान में मजदूर कहीं पर भी था की रैली होती है, देश में आकर उसको पीडब्ल्यू डी को फोन जाता है, पंजाब से पैदल आया, बसों में दिल्ली से पैदल आया, लेकिन ये चोर ताल नहीं चलने वाला, जब उसको अनाज मिला उसको खाना मिला बार बार नहीं चलेगी, नगर निगम में जवाब कराया गया, तब उसने 2022 में योगी जी के योगी सरकार भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा।
अभी पंचायत के चुनाव में चौथे नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है, थोड़ा सा ज्ञान आप तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी आई है, हमको अच्छा लगा नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के पंचायत चुनाव में गई है। लगातार अगर आप इसी तरीके थोड़ा डर रखिए, 28 चुनाव हारे को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी 21 राज्यों में आपकी सत्ता थी, आज मात्र 11 राज्यों में आप रह गए हो, जिसमें 6 में पूर्ण तौर पे हो और बाकी 5 पे आप सहयोगियों के साथ अभी हो। आप फलिए फूलिए अभी आपके लिए अभी पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी खत्म होने वाली है। शराब बांटते रहिए, अभी हम लोगों ने सेंध लगाया किले में गुजरात में, दूसरे नंबर की पार्टी बन के आए हैं, 5 हमारे विधायक है, 27 हमारे पार्षद है, अभी गुजरात में और हम कमाल दिखाएंगे। नहीं नहीं यही कमाल कर लो, अगली बार आपको वहां से भी भगाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया, बहुत संघर्ष हो गया सत्ता पक्ष और आम आदमी की पार्टी के बीच। शिल्पी जी की बात ले लें, शिल्पी जी भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ज़रा बढ़ चढ़कर जो है सत्ता के खिलाफ जो है आंदोलन कर रही है, समाजवादी पार्टी आप साथ बैठी हुई है, क्या बात है, मुस्कुरा रही थी केवल आम आदमी पार्टी की बात सुनकर। जी शिल्पी जी, जी शिल्पी जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है, शायद शिल्पी जी का नेटवर्क कनेक्शन दिक्कत दे रहा है। जी शिल्पी जी, शिल्पी जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझी भाई अपनी बात पूरी करिए। जी नहीं हमारी बात तो देखिए, हमने वही कहा फिर, और मैं फिर एक बार विपक्षी सभी दलों से जी यही कहूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश को, वो सही में उत्तर प्रदेश के लिए चिंतित हैं, उत्तर प्रदेश से मोहब्बत है, वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके का विकास हो, तो योगी जी का समर्थन करना चाहिए। और इस चीज़ में कि उत्तर प्रदेश में जो निवेश हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि शमसी आज़ाद के परिवार को मिल रहा है या शिल्पी चौधरी जी को मिल रहा है या सिर्फ प्रीतपाल जी को मिल रहा है, बल्कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरीके से मेहनत कर रहा है कि बाहर से इन्वेस्टर्स को लाने को, क्योंकि जो यहाँ का माहौल खराब हो चुका है, यहाँ कोई भी कंपनी आने के लिए तैयार नहीं थी, अब धीरे धीरे वो माहौल सुधरा है कोरोना काल के बाद से, जिस तरीके से योगी सरकार ने और उनकी टीम 11 ने काम किया जमीन पर धरातल पर उतर कर, तो वो साफ दिख रहा है कि बिल्कुल साफ सुथरा माहौल है। रोजगार के आयाम हो, चाहे पर्यटन के आयाम हो, चाहे कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से फल फूल रहा है। और आपने देखा होगा कि हुनर हाट के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के रोजगार को बढ़ाने का काम किया गया, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी काम किया गया और उसको जो विश्व पटल पर लाकर। जवाब जवाब, आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्ष है, 100 स्मार्ट सिटियां देने की बात नरेंद्र मोदी जी ने की थी, कहां गई 100 स्मार्ट सिटियां? अच्छा गिनवा दीजिए भाई, लखनऊ को 900 करोड़ रुपए मिला था स्मार्ट सिटी के नाम पे, कहां गया 900 करोड़ रुपए, कहां लगा 900 करोड़ रुपए? भाई मेट्रो तो पिछली सरकार ने दिया आपको, तो 900 करोड़ आपने कहां लगा दिए, कहां स्मार्ट सिटी बनी? कूड़ों से पटा पड़ा है। आप चार बार से चाहे एयरपोर्ट आइए, चाहे 5 कालिदास बार से एयरपोर्ट आ जाइए, कूड़ा ही कूड़ा दिखेगा। बड़े भाई मैं आपको सादर प्रणाम एक बार फिर करता हूँ, घुस जाइए वहाँ पे, आपको मैं आपको फिर एक बार सादर प्रणाम करता हूँ। आपको दिखा दूँ, आपकी जैसी काबिलियत थी वैसे ही आपको पार्टी ने चुना है, वैसे ही पार्टी आपको पसंद भी आई है, जनता की आपको वैसे ही पार्टी पसंद भी आई है, जिसका रिश्ता ही झाड़ू और कूड़े से है। आम आदमी पार्टी पढ़ी लिखी पार्टी से आते हैं, हम लोग लिखन तो पढ़त पे बात करते हैं। नहीं लिखन पढ़ा तो, लिखन पढ़ा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल जी ने लिख के दिया था। अरे प्रीतपाल जी बताइए, 2017 में 70 लाख केजरीवाल ने गुजरात चुनाव में लिख कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारी सरकार बनने, उन्होंने ऐसे करके पेपर दिखाया था, ऐसे करके पेपर दिखाया था, मैं उसका जवाब आपसे मांग रहा हूँ। मैनिफेस्टो पढ़ा था, उसका जवाब मांग रहा हूँ, जो आपने लिख के दिखलाया था, मांगा था करने के लिए, उसका कुछ हुआ? कितनी सरकार आपने बनाई? यहाँ पे पढ़ाई मत पढ़ाओ। अरे केजरीवाल जी ने लिख कर दिखाया था ऐसे करके, ऐसे गुजरात में सरकार बना रहे हैं, पंजाब में लिख दिया था बना लिया था, और हम गुजरात में बनाने जा रहे हैं। 4.5 लाख नौकरियां देने के बाद 3.5 लाख नौकरियां संविदा पे दे रहे हो, 6 लाख शर्म करो, 6 लाख रोजगार, 6 लाख रोजगार मिलने जा रहा है प्रदेश के नागरिकों को, और आप देखते रहेंगे, आप इसी तरह से हाथ मलते रहेंगे और पूरा कर दिया। नगर निगम में लोगों ने मौका दिया, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में सबसे अच्छा प्रदेश बनने जा रहा है, और आप 100 लखनऊ राजधानी है, 50 सिटी तो उत्तर प्रदेश में जिसको स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है मिला हुआ है, मगर यहाँ कूड़ों से आप उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा जैसी जगह जाइए, आगरा जाइए, मथुरा जाइए,
अंबेडकर नगर जाइए, पता चलेगा। अब एचएल के पास पहुंच जाइए, कूड़ा मिलेगा। नहीं वो आप गाड़ी लेके वहाँ कूड़े मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी कूड़े की राजनीति हारी है, अभी उत्तर प्रदेश भी हारी। पल भाई समझी आ रहा है कि आप जब झाड़ू लेके निकलते हैं तो आपको सब जगह कूड़ा ही नजर आता है। जब झाड़ू निशान है तो कूड़ा भैया झाड़ू वालों को कूड़ा दिखेगा, साफ सफाई तो दिखेगी। हाँ। गंदगी उसे दिखेगी हाँ। जो गंदगी साफ करने का उपकरण लेके चलेगा। हाँ, अच्छा हमारे पास झाड़ू है इसलिए हमको गंदगी दिखती है। हाँ। और ये कमल वाले हैं हाँ। ये झूठे झूठा पार्टी से आते हैं, इनको गंदगी नहीं दिखेगी। अच्छा जबकि ये निकले गंदगी से, गौरव अच्छा ये निकले गंदगी से, इनको गंदगी नहीं दिखती। हमारे पास उपकर्म है, इसीलिए जनता से हमारी मांग है कि आपने देश में नरेंद्र मोदी जी को बैठा दिया, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को बैठा दिया, मगर उत्तर प्रदेश की नगर निकाय में झाड़ू लगाने का काम, सफाई करने का काम जैसे दिल्ली एमसीडी में जनता ने दिया, वैसे आप उत्तर प्रदेश में हमें दो, हम साफ करके दिखाएंगे आपको उत्तर प्रदेश। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सुनील त्रिपाठी जी हमारे जुड़ेंगे। सुनील जी आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद प्रवक्ता सपा शायद डिबेट छोड़ कर ही चले गए लगता है। शमसी भाई का कुछ ज्यादा महिमा मंडन सुन के वो शायद सपा प्रवक्ता शिल्पी चौधरी शायद डिबेट छोड़ कर ही चली गई हैं। शायद विपक्ष से लड़ने का मादा केवल आम आदमी पार्टी निभा रही है। पिपल भाई आप लगता सही बोल रहे थे कि शायद विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी भी सक्रिय है, तो मैं आप ही कंटिन्यू करूंगा। बोलिए पिपल भाई, मुझे भी लगने लगा है शायद डिबेट के माध्यम से कि आप विपक्ष की भूमिका में सपा निभा नहीं पा रही। बोलिए बिल्कुल बोलिए। देखिए गौरव जी, आम आदमी पार्टी शुरू से एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी, हमारे एक एक व्यक्ति व्यवस्था से पीड़ित होने के बाद जो सरकारों को व्यवस्था देनी चाहिए थी जब नहीं मिली, तभी आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। तब से लेके आज तक आम आदमी पार्टी जनता से जुड़े हुए सरोकारों पे काम करती है। हमने कहा कि हमारी अगर जनता को, हमारे लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाएगी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त सरकारी शिक्षा हम अपने लोगों को दे पाएंगे, हम मुफ्त स्वास्थ्य दे पाएंगे, तो वो बच्चा जब बड़ा होगा अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के बाद, तो देश को सोने की चिड़िया वही बनाएगा। ये आम आदमी पार्टी की सोच है सर, मगर भारतीय जनता पार्टी वो लोगों को आंकड़ों में उलझा देती है। अभी आपको मैंने पहले आपको उदाहरण दिया था, सैमसंग के नाम पर इतना प्रोपेगंडा किया गया, हजारों करोड़ों पे प्रचार प्रसार में लगा दिया कि सैमसंग कंपनी देश में आ गई, सैमसंग कंपनी उत्तर प्रदेश में आ गई, लोगों को नौकरियां देगी, जबकि ये पूर्व की सरकार का लाया हुआ सैमसंग कंपनी थी। और जब ये पता चला आरटीआई के माध्यम से कि कितने लोगों को योगी आदित्य नाथ सरकार ने सैमसंग में नौकरियां दिलाई, तो पता चला मात्र 1200 लोगों को नौकरियां मिली। तो अभी जो ये 5 या 5.5 लाख का जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि लाया जाएगा, ये कितने सालों में आएगा, कितने खंडों में आएगा, ये आने से पहले कितनी बड़ी जमीन जो हमारे किसानों की अर्जित की जाएगी, औने पौने में किसानों की जमीन छीनी जाएंगी। अच्छा। ये भी लोगों को पता चलना चाहिए। वो आज आएगा या अगले 20 साल बाद आएगा, ये भी कोई अभी तक इसको क्लियर नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जो बातें करती है गौरव जी, उस पे अगर खाली काम कर ले तो हम कहते हैं आम आदमी पार्टी की कोई जरूरत ही नहीं है सर। समझी आदर बोल रहे थे कि अच्छा काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है, तो आम आदमी पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। आजाद कह रहे हैं शिक्षा दे दो, स्वास्थ्य दे दो, युवाओं को नौकरियां दे दो, महंगाई कम कर दो, हमारी आने की जरूरत ही नहीं है। पिपल भाई समझिया यार बोल रहे हैं कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ है, वहाँ यमुना साफ नहीं कर पाए, तीसरी बार वहाँ पर आपका कार्यकाल शुरू हुआ है, और बातें आप उत्तर प्रदेश ही करते हैं, यमुना साफ आज तक नहीं कर पाए। बिल्कुल योगी शायद इनको इस बात की जानकारी नहीं है समसी भाई को। हाँ। कि वहाँ पे पहले एमसीडी भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 15 साल से वहाँ अच्छा। पे कूड़ों के पहाड़ इन्होंने खड़े किए थे। अच्छा। और जहाँ तक यमुना की बात आती है, यमुना हाँ। में पानी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आता है। अच्छा। जितनी फैक्ट्रियां हैं उसका गार्बेज जो है ये यमुना में डालते हैं। ये मामला एनटीसीपे में चल रहा है, वहां पे कोर्ट में बकायदा इनको लताड़ लग चुकी है कई बार कि यमुना को दूषित करने के लिए जो कंपनियां उत्तर प्रदेश की हद में आती हैं, हरियाणा के हद में आती हैं, वो अपना गार्बेज उसमें ना डालें। अच्छा। उसके बावजूद ये उस पे रोक नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये यमुना का पानी दिल्ली में जा रहा,
इनको ये नहीं पता कि देश के प्रधानमंत्री वहीं रहते हैं भाई साहब, अच्छा। देश के गृह मंत्री वहीं रहते हैं, देश के रक्षा मंत्री वहीं रहते हैं, न जाने हजारों लोग वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लाखों के वहां रहते हैं, अच्छा। आते जाते हैं, पूरे विदेश से लोग आते हैं वहां पे, सभी लोग, खाली आम आदमी पार्टी वाले नहीं रहते वहां पे, अच्छा। अगर दिल्ली में हम लोगों ने शिक्षा मुक्त की तो आम आदमी पार्टी को नहीं मिलती, उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी मिलती है, सपा के लोगों को मिलती है, बीजेपी के लोगों को मिलती है, कांग्रेस के लोगों को मिलती है, सबको मिलती है, स्वास्थ्य हमने सेवा दी है, सबको मिलती है, खाली आम आदमी पार्टी को नहीं मिलती सर। बोलिए जी, मैं कह रहा हूँ जनता सपा भाजपा में कहाँ तब्दील। गौरव जी देखिए, असल में बात यह है ना कि विपक्ष इसलिए घबरा गया है कि योगी जी ने जो प्रण किया है 10 लाख करोड़ का, और उसके करीब जो योगी सरकार इस वक्त दिखाई दे रही है, तो यही चीज उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान में सभी जो विपक्षी पार्टियां, उनको ये लगने लगा है कि कहीं योगी जी ने अगर इस बार ये वादा जो किया पूरा कर लिया कहीं, तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। भैया चौथा इन्वेस्टर समिट था, हाँ। 2015 में किया, 2017 में किया, हाँ। 2019 में किया, हाँ। चौथा ये समिट है जहाँ से आप लेके आ रहे हो, कितने हजार करोड़ रुपया ये बताओ प्रेतपाल जी, खाली आंकड़ों की बातें मत करो, हजारों करोड़। मैं आपको फिर सादर प्रणाम कर रहा हूँ, और मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, और आप उसके बाद देखेंगे कि आप उत्तर प्रदेश में किस तरीके की विकास की बयार बह रही है। 10 लाख करोड़ का निवेश, 10 लाख करोड़ का निवेश होगा, 6 से 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जो वहां पर कंपनियां आ रही हैं, उसमें हिंदुस्तान के सभी बैंक हैं, सभी हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियां चली गई, फिल्म सिटी के सारे चले गए, सपा वाले चले गए, फिल्म सिटी सपा वाले पर जवाब नहीं था, चले गए, फिल्म सिटी के सारे लोगों ने योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर के पास जवाब ही नहीं था, सपा वाले चले गए, उनका सपा के पास बताया गई लड़ने का मादा हमारी पार्टी दिखा रही, भाई सपा चली गई, उनका समर्थन किया योगी जी का, और सभी ने हाथ से हाथ मिलाकर योगी जी को यह विश्वास दिलाया है कि उत्तर प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी के झूठा पार्टी के प्रवक्ता, 5 विकास दिखा दो भाई, 5 विकास। देखिए मैं भी आपसे ज्यादा आप शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं धैर्य, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं एक सम्मानित चैनल पर बैठा हूँ, मैं एक सम्मानित चैनल पर बैठा हूँ, और मैं अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने चैनल पर बैठा हूँ, आपको मौका नहीं मिलता होगा, तो आप अपना सारा दर्द बयान करिए, और आप अपनी अज्ञानता, अपने अनपढ़ होने का सबूत आपने दे दिया। 5 विकास में सुनिए, सबसे पहले एक विकास गिनाइए, अब आप सुनिए, अब आप सुनिएगा, है कोई 5 विकास योगी आदित्यनाथ, 5 विकास सुना तो रहे, सुनिए, सबसे पहला विकास उत्तर प्रदेश में, जिस वक्त कोरोना की लहर चल रही थी, योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन लगाकर घर में बैठे हुए थे, एसी के कमरे में घुसे हुए थे, अच्छा, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लकड़ियां कम पड़ गई थी, ये पूरे देश में देखा है, उत्तर प्रदेश में हुआ था, पूरे विश्व में हुआ था भाई, दिल्ली की हालत बताना पड़ेगा किसी को, नहीं कोरोना काल में दिल्ली की हालत बताना पड़ेगा किस तरीके से सड़कों पे लोग भैया उत्तर प्रदेश की बात करो, दिल्ली में ऑक्सीजन कौन दे रहा था, बताने जा रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी के पास थी ऑक्सीजन, आप सुने क्यों नहीं ऑक्सीजन, आप सुने तो सबसे पहले, आप सुने भी तो, सुनने का थोड़ा सा धैर्य रखे मेरे भाई, अरे आप जिस समाज से आते हैं बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, प्रतिदिन दो, आप जिस समाज से आते हैं प्रीतपाल जी, वहाँ बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, सम्मानित लोग होते हैं, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने समाज से आए नहीं, आपके अंदर जो है धैर्य नहीं है, आपके अंदर सम्मान नहीं है, आपके अंदर तो नरेंद्र मोदी को आदेश दिया तब दिया उन्होंने, अरे अभी उत्तर प्रदेश पे एक उपलब्धि आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, अभी 4 और बची है, किनारे लाशें दफन, 4 बची है, 4 भी तो सुने, चोरी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले, देश में देखा था, अच्छा, जब हवा चली थी तो कफन चोरी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, 4-5 आपने कहा था, 4 और सुने, अभी 1 हुआ है, दूसरा जिस तरीके से, अरे एक्सप्रेस वे का जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जाल बिछाया जा रहा है, क्या वो भी जो है तो आम आदमी पार्टी की देन है, जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिस तरीके से हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, क्या वो भी आम आदमी पार्टी की देन है, जिस तरीके से हर जिले में स्टेडियम बनाए जा रहे हैं युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, क्या वो भी आम आदमी पार्टी, भर्ती नहीं किया जा रहा, अच्छा, दिन भर में 20 फोन मेरे पास आते हैं, अब गौरव जी से पूछ ली कितने फोन इनके पास आते होंगे,
आज स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी खराब है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। स्वास्थ्य मंत्री को कहना पड़ गया, प्रियपाल जी ट्वीट मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को देखकर। हाँ बोले बोले, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको। आपने भारतीय जनता पार्टी को झूठा पार्टी कहा था, मैं आपके ऊपर कंडम करता हूँ। और आपने कहा कि रोज भी फोन आता है, निकालिए अपना मोबाइल, दस नंबर मिला के दिखाइए हमारे लोगों को। अस्पताल में जगह नहीं मिली। ब्रजेश पाठक जी किसके मंत्री है? आप पांच दिखाइए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, पांच नंबर दिखाइए उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रहे वो। नहीं नहीं, वो ट्वीट करके बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं फेल है। फालतू बात, फर्जी बात। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप दिखलाइए। मोहनलालगंज के जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, वो ट्वीट करके बता रहे हैं लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, संसार में जगह नहीं मिल पा रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, चलिए, ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी और मोहनलालगंज के जो सांसद है, वो कह रहे दो बातें और सुन लीजिए। सबसे तीन बातें, अभी दो में फेल हो गए। मैं पहले अब तीन बातों को छोड़ रहा हूँ। आपने ये कहा है ना कि आप तीसरी पे आ जाइए सर, तीसरी पे। आपके पास रोज 200 फोन आता है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। अरे सर तीसरी पे आइए, तीसरी पे, कि आप पांच नंबर हमको दिखाएं। अगर पांच नंबर सही हो गया तो मैं जनता ने जीरो नंबर दे दिया आपसे, कि मैं राजनीति छोड़ूंगा। अगर पांच नंबर आपके फ्लैश करके दिखला दे, ब्रजेश पाठक जी ने फेल किया, मोहनलाल जी ने सांसद ने फेल किया। आप पांच नंबर दिखाएं। तीसरी बात पे आओ, बात कर रहे थे आप, पांच नंबर तीसरी बात बताइए। तीसरी दो में फेल हुए। चले ठीक है, ठीक है, नहीं आपके आंकड़े में तो सब फेल हो जाएंगे। जब आपके ऊपर जो है तो अंधे का चश्मा लगा हुआ है, आपके कान सुनने को तैयार ही नहीं है। तीसरी पे आइए, किस चीज की बात करेंगे आप? सारी चीजों को भाई तीसरी बात बताइए, क्यों अपनी सरकार की मुंह काला कर रहे हैं? सुनने की आदत नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुंह काला कर रहे हैं। तीसरी पे आइए, जनता सुन लेगी। बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, लेकिन आपको देखकर हमको जो है तो अब ऐसा नहीं लगता कि अरे मैं अज्ञानी हूँ साहब, या आप उस समय अज्ञानी हूँ, मेरी जात पे मत जाइए। यही तो भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति है। क्या सिख आपको पसंद नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी को सिख पसंद नहीं है? हो गया भाई, हो गया। सरदार पसंद नहीं है? हो गया। आप सभी मेंबर नहीं पसंद होगा, मैं ना पसंद हो। तो यहाँ पर चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 10 से 12 फरवरी को प्रायोजित इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई दौरे से 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश लेकर आए हैं। इसके अलावा विदेशों से भी बड़ी संख्या में यहाँ पर एमओयू साइन होंगे, और जो 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है उसको पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शमसी अय्यर का कहना है कि 10 लाख करोड़ के लक्ष्य से हम ऊपर जाएंगे, यानी बहुत कुछ लक्ष्य से हमारी आने ऊपर जाने की उम्मीद पूरी पूरी रहेगी। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री केवल मुंबई गए हैं, अभी तमाम जगहों के दौरे बाकी है। अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, तमाम जगहों पर अभी उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री और अधिकारी जाएंगे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अगर कुछ बेहतर हो रहा है तो समर्थन करना जरूरी है। अगर गलत है तो उसके लिए भी आप विरोध करिए, और अगर सही है तो उसका समर्थन करिए। और अगर वास्तव में विरोध करना चाहते हैं किसी बात का, किसी नीति का या किसी योजना का, तो उसके लिए सड़क पर आइए। केवल डिबेट के माध्यम से अपने आप को, अपनी पार्टी का पक्ष रखना, मेरे ख्याल से भारतीय राजनीति में इसके लिए जगह नहीं बची है। अगर वास्तव में चाहते हैं कुछ बदलाव हो, या चाहते हैं कि सत्ता पक्ष को कुछ याद दिलाया जाए, या वास्तव में चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति खराब है, और तो जनता के बीच जाइए और जनता के मुद्दे उठाइए। केवल बोले से यहाँ काम नहीं चलने वाला है। अगर वास्तव में चाहते हैं कुछ बेहतर हो तो कुछ अलग प्रयास करिए और संघर्ष करिए। केवल डिबेट पर बयानों के माध्यम से अब राजनीति उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं है। तो यहाँ तक जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार चल रहे हैं, जल्द ही समय आएगा कि उत्तर प्रदेश शायद उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर होगा, और जल्द ही भारत का वो राज्य जो अब तक शायद उस व्यवस्था से बचा रह गया था, अब उस व्यवस्था तक पहुंचेगा और साबित करेगा कि हाँ, उत्तर प्रदेश वास्तव में उत्तम प्रदेश बन चुका है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।
सच साहस सरोकार। हॉलीवुड